अस्सलाम वालेकुम उम्मीद के साथ के तमाम दोस्त अल्लाह रब्बुल इज्जत हम से खैरियत से होंगे। तो आ चुके हैं नए व्लॉग के साथ। अभी अभी मेरे से नुकसान हुआ है, एक पॉट मेरे से दाने वाला टूट गया है फिंचेस का। तो अभी फिंचेस के लिए मैं ये बड़ा बर्तन ले आया हूँ, इसमें दाना डाल के रखते ताकि दाना ज़ाया वगैरह ना हो। और आ जाओ डायमंड खाली मेरे पास आ गया। अभी मैंने इसको नहलाया था, नहला के मैंने इधर बिठा दिया था। अभी ये नहला के सूख गया, बिल्कुल फ्रेश हो गया, अभी मेरे पास आ गया। इसको बेबी दाना वगैरह खिलाना है और जल्दी से पहले मैं दाना रख लूँ फिंचेस और उनको फिर मिलते हैं आगे, आपको अपडेट वगैरह देते हैं। आज ये गुड न्यूज़ भी है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चे को जितना दाना था वो मैंने सब इनको डाल दिया। ये खा रहे हैं, कुछ उधर डाला था वो खा रहे हैं, उसके बाद कॉकटेल को भी डाल दिया क्योंकि आजकल बच्चे भी माशाल्लाह खुद से खाना स्टार्ट हो गए हैं, अब सेल्फ हो गए हैं। ये देखें इनके लिए यहाँ पे मैंने भर के रख दिए। और फिंचेस के लिए तो आज मुझे बहुत ज़बरदस्त मिल रहे बर्तन, तो ये सुकून से इसमें बैठ के खाएंगे, दाना ज़ाया नहीं होगा। और लवबर्ड को भी अभी दाना डाले, वो भी आ गए खाने के लिए, अभी रिंग नेक घुसे हुए हैं। अब चलते हैं आगे, बाकी परिंदों को देख लेते हैं। चूज़ा देखिए माशाल्लाह कैसे बाहर घूम रहे हैं। चलो चलो चलो, मुर्गी भी आज बाहर खुली हुई है। अंडा आज कोई नहीं आया, मुर्गी आज घुसी हुई थी लेकिन अंडा वगैरह कोई नहीं आया। मुर्गे को लायदा किया हुआ है क्योंकि ये बच्चे को मार रहा था और यार बच्चा अकेला नहीं रह सकता। दूसरी मुर्गी के नीचे मैंने रात को रखा था लेकिन नहीं रह रहा था। तो यार हमारे पास जितने भी अंडे पड़े थे ना मुर्गियों में, तकरीबन 16 अंडे हैं और भी इंशाल्लाह आएंगे। और मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मशीन को ऑन कर लेते हैं और मशीन में अंडे रख लेते हैं। तो आज हमें मशीन भी ऑन करनी है, इनक्यूबेटर उसको बिल्कुल मैंने साफ वगैरह कर दिया था, बस उसमें पानी भरना है, उसमें अंडे रखने हैं और उसके ऊपर टेप वगैरह लगा के उसको बिल्कुल सील करके चला देना है। तो इंशाल्लाह आज अंडे भी अभी रखेंगे, थोड़ा सा सेटअप वगैरह को देख लें पहले अपने सारे परिंदों को, फिर उसके बाद उस साइड पे चलते हैं और अंडे रखते हैं मशीन में और इनक्यूबेटर को ऑन करते हैं। ये रहा जी डायमंड, और डायमंड को लेके आ चुका हूँ इस घर में, जिस घर में पिजन अभी खुले हुए हैं सारे, बाहर धूप पर बैठे हुए सुकून से। और जो पट्टा हमने पकड़ा था वो भी सुकून से अभी इधर ही है क्योंकि मामू लोग लेने नहीं आए और हमारा उधर चक्कर नहीं लगा, तो ये बच गया, ये अभी इधर ही है, बाकी सारे खुले हुए हैं। और जो ब्लैक वाला था उसको कल मेडिसिन वगैरह दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, तो उसी साइड पे छोड़ दिए। बाकी कुछ अंडों पे बैठे हुए हैं और ये जाली पीछे पड़ी हुई है, ये जाली किसी दोस्त को चाहिए थी तो मैंने कहा चले आप ले जाएँ। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे पिजन इस टाइम पर नहा के फ्रेश हुए पड़े हैं, धूप पे सुखा रहे हैं खुद को, और अंदर जा के देख लेते हैं किसी और पेड़ के अंडे आए या नहीं। साइड पे बैठा हुआ मेल है लेकिन अभी तक अंडे नहीं है, बस सिर्फ ये दो बैठे हैं। यार लिटरली अभी मेरे साथ क्या हुआ है, मैं वो सामने ना बाजरा उठा रहा था डायमंड के लिए, सामने बच्चा बैठा हुआ था वो सामने दरवाजे पे ना, मैंने दरवाजे को खोला और खोल के खड़ा हो गया और मैं ना दाना उठाने लग गया। दाना उठा के वैसे ही मैं खड़ा था ना, तो मुझे आवाज़ आई कि कोई चीज़ ना यहाँ से उड़ी है। जब मैंने देखा ना तो दीवार पे चिपका हुआ था, शुक्र था बच्चा था, बड़े नहीं थे अदरवाइज़ तो मिलने ही नहीं था। फिर मैंने इसको पकड़ के अंदर छोड़ दिए, अभी अंदर बैठा हुआ है ये देखें। अभी मैं जल्दी से डायमंड को दाना वगैरह खिला लूँ क्योंकि इसने फिर बहुत ज़्यादा तंग करने, तो मैं इसको दाना खिला के फिर बंद कर दूँ, फिर अंडे रखते हैं इंशाल्लाह मशीन में आज। अभी मशीन को मैंने इधर सेट कर दिया, बस ये है कि इसमें पानी भरने, बोतल तो है लेकिन उससे भरने से बेहतर है कि मैं यहीं से भर देता हूँ, एक्यूरेसी में चला जाएगा। इसको एक बार भर लेते हैं तो हफ्ता डेढ़ तो ये निकाल लेगा, और उसके बाद अंडे ले आते हैं, ट्रे लगाते हैं और अंडे इसमें रखते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने पानी वगैरह भर लिया, ये देखें नीचे मैंने पानी वगैरह फिल कर लिए, अब मुझे लगाने हैं ट्रे, जल्दी से मैं ट्रे लगाता हूँ और उसके बाद अंडे रखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे जी माशाल्लाह से 16 अंडे और ट्रे मैंने फिक्स कर लिए, इनको इधर रखते हैं और जल्दी से हम इसमें रख देते हैं अंडे। ये रहे जी, तो ये आ गया जी माशाल्लाह से, क्योंकि ये 8-8 की लाइन बन दी है, उसको सर जो है सामने ऊपर रखना है। ये 8 अंडों की एक लाइन है, तो दो लाइनों में हमारे जो है गए वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएंगे, और हम रखेंगे भी इसे साइड वाली लाइनों में, बाकी फिर दरमियान में रखते जाएंगे। ये आ गया जी 8 अंडे, तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी इनक्यूबेटर में अंडे वगैरह भी हमने रख दिए हैं फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह जी अंडे वगैरह रख के मैंने फिक्स कर दिए, अब इसको चला दी, इसमें पानी वगैरह भी रख दिए और अंडे भी आ गए। अब लग करेगा इंशाल्लाह इनमें से जल्द हमें चूज़े देखने को मिलेंगे कि चूज़े निकले हैं, और टेम्परेचर भी माशाल्लाह से भी ऊपर जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता से, ये देखें ह्यूमिडिटी भी ऊपर जा रही है।
अल्हम्दुलिल्लाह से जी, मुर्गी के अंडों वाला काम भी फाइनल हो गया। आज अंडे मशीन में रख दिए हैं, अब चला दिए, बस अब मुर्गी ढूंढने का फ़ायदा ही नहीं रहा। इतने दिन में लेट होता रहा शायद इसी वजह से कि यार बिजली का इशू, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो भी होगा देखा जाएगा। अभी अंडे वगैरह रख दिए हैं और इंशाल्लाह और अंडे आएंगे और भी रखेंगे। अब मैं इंशाल्लाह असील के भी अंडे ले आऊँगा कहीं ना कहीं से, तो वो भी इंशाल्लाह अंडे रखेंगे, या जो भी मुझे अंडे मिल गए ना देसी वगैरह के, वो भी इंशाल्लाह साथ में रख देंगे। इनक्यूबेटर को एक बार फिर से हम भर देंगे। शिराजी वाली अभी बाहर से आ रहे थे दोनों, मेल फीमेल पता नहीं क्या है, इसके हालांकि पर भी बंधे हुए हमने, इस वजह से बांधे गए बाहर ना लिए, फिर भी बाहर निकल गए थे पत्नी किस वजह से। और इस साइड पर मुझे देखना था कि सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सबका दाना वगैरह ओके है, सबका पानी भी ओके हो गया है, और मुर्गियाँ भी दोनों घुसी हुई थी लेकिन अंडा कोई नहीं दिया, एवं घुस के इधर घुसियाँ निकल गई। और बच्चे को देखें कहाँ पे आके बैठा हुआ, ये देखें माशाल्लाह से कितना क्यूट क्यूट है। और कॉकटेल भी दोनों आज बाहर निकले हुए हैं। यार दोपहर को इतना मज़े का, धूप वगैरह निकली थी, बड़े मज़े का मौसम था। अभी जब मैं बाहर निकला हूँ हवा वगैरह चली हुई है और मौसम कैसा हो गया, बादल 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 बादल, अभी फिर से शुरू ही निकला है। अभी मैं आया था तो बादल नहीं थे और मौसम ठंडा ठंडा सा हुआ पड़ा है। बाकी ये देखिए पता नहीं ये क्यों फड़फड़ा रहे हैं, और जो बच्चा था वो उड़ के पता नहीं किधर चला गया यार, ला वाला नीचे ना रह गया रात को, उसको कहीं ना ऊपर बिठाना होगा, पता नहीं किधर चला गया यार। चलो कोई नहीं है, यहाँ पे भी होगा उसका माँ बाप उसको खिला लेगा अच्छे से ना। और इस टाइम जहाँ से जाली पड़ी थी वो मैंने उठा ली है जो बाहर पड़ी थी, और मुर्गी वगैरह अंदर खोल दी है। इंशाल्लाह अब इनके खुडे वगैरह बनाने हैं, जल्द वो भी काम स्टार्ट करने हैं। बाकी ये भी खुली हुई हैं यार। आज दूसरी जो ग्रे वाली मुर्गी है ना, वो थोड़ी सी ना मुझे ऐसे ढीली ढीली सी नज़र आ रही थी, पता नहीं अभी किधर गई है। और जैसा सुस्त पड़ी होती है ना इस तरह से, जिसकी तबीयत वगैरह ख़राब हो और इस तरह से ना, तो इंशाल्लाह एक मेरे पास अभी एवियन का कैप्सूल बचा हुआ है तो वो मैं आपको दे दूँगा, क्योंकि अभी मौसम गर्मियाँ और फिर सर्दी रात को, तो इस वजह से ना थोड़ा सा भी इशू बना हुआ है। और नेक्स्ट मटेरियल में लाया था आज, नेक्स्ट बॉक्स वगैरह बनाने थे, वो भी याद रह गए, काफ़ी दिन तो हो गए उनके, फिंचर ने ब्रीड भी करनी है तो इंशाल्लाह जल्दी से कल वो भी करेंगे, आज तो टाइम ही नहीं बचा। और ये देखें फिंचर मज़े से लगे हुए हैं। डायमंड को मैंने दाना वगैरह यहीं पर डाल के ना इधर ही छोड़ दिया था, ठीक है, तो डायमंड ने दाना वगैरह खा लिया सुकून से। ये देखें नीचे भी गिराया हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हुआ पड़ा है, हालांकि भरा हुआ था। डायमंड को मैंने अभी निकाल दिया, डायमंड को अभी पानी वगैरह पिलाऊंगा और फिर इसको बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं इसको बुला रहा हूँ कि आ जाए, लेकिन इसकी बुरी आदत है कि मट्टी बहुत खाता है। आ जाओ, ये अभी इसने मुंह मारा है, लेकिन वो सीमेंट था तो इसने मट्टी के ऊपर समझ के मुंह मारा है, लेकिन वो उसको लग मिली नहीं है तो ये फिर मेरे हाथ पे आ गया। अभी मैं खड़ा हुआ था वो देख रहा था मुर्गियों को, वो मेरे ख्याल में अंदर बैठे हुए बेचारे परेशान हो गए ना, तो ग्रे वाली वो देखें अभी मैंने देखा उसको, वो देखें वो सामने पड़ी हुई अंदर, तो अभी उसको कोई मेडिसिन वगैरह मैं यूज़ करवाता हूँ, तो बेचारी का पूरा हाल हुआ पड़ा है, वो अंदर बैठी हुई है तो उसको भी यूज़ करवानी है मेडिसिन वगैरह। और इनके काम चेक करें भाई साहब, लड़ाई के लिए बड़े मुर्गे के साथ, शक्ल देखिए अपनी, एक दिन लगी तूने घर नहीं वापस आना, चल निकल माड़ा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से जाके मैंने इनक्यूबेटर को देखा, इनक्यूबेटर माशाल्लाह से बिल्कुल फिट होकर चल रहा था और नमी वगैरह भी बिल्कुल ओके चल थी, सब कुछ ओके था, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ओके चल रहा है, आगे फिर देखने क्या है। और अब बंदोबस्त हो गया बिजली वगैरह का, अभी तो बिजली भी नहीं जाएगी, अब आगे देखते हैं क्या से संबंध है। और शिराजी वाला मेल नीचे आया हुआ है मेरे से लड़ाई करने के लिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब इसका खुड्डा वो पड़ा हुआ है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पता नहीं इसको क्या है, या तो मैंने डायमंड को उठाया हुआ इस वजह से। अब ये देखें ये यहाँ पे आके अचानक से, मैंने इसको कुछ बोला ही नहीं और मार रहा है यार, इसकी हालत देखो। आ जा आ जा आ जा, देख रहा है नहीं रहा, क्योंकि पहले ये इधर बैठता था ना डायमंड से पहले, तो ये इसको बुलाते थे तो याद आ जाता, अब नहीं आ रहा, डरता है थोड़ा बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेन बर्ड थे बंद करने वाले उनको मैंने बंद कर दिया, क्योंकि हवा वगैरह तेज़ चली हुई है तो हो सकता है कि इनको ठंड लगी सके, क्योंकि मौसम सर्दियाँ जाते हुए और आते हुए दोनों का ख्याल रखना चाहिए।
तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह से इन सबको मैंने कवर कर दिया, इनको स्पेशली। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक हैं, कोई मसला नहीं है। मुर्गे भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, इनका भी कोई इशू नहीं है, अभी निकली हुई थी बाहर। इंशाल्लाह उसको शाम को मेडिसिन वगैरह यूज़ करवा दूंगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सबको बंद कर दिया, बस ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये शाम के बाद ही अंदर जाएंगे। तो इस तरफ चूज़ा मुर्गी, ये वाले और पिजन, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब फाइनल होकर। और इसी के साथ भाई को दीजिए ज़्यादा दुआ में, याद रखिएगा, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, सुभान अल्लाह।